छपरा से आवता डांसर, जी हाँ ये गाना क्या आया, विवाद इसके साथ आ गया। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना आरा में होगा धमाका वाला, और तभी से ये विवाद शुरू हो गया था कि ये हर बार आरा का नाम ही क्यों आता है। और इस बार पवन सिंह ने बकायदा नाम लेते हुए, छपरा का नाम लेते हुए इस विवाद को तूल दे ही दिया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा आपने देखा होगा कि हर विवाद को टालते नजर आते हैं पावर स्टार, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह का दांव खेला है, इस बार ये लग रहा है कि अब पवन सिंह इस मूड में नहीं है कि आरा को हल्के हाथ लिया जाए। अब हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने एक और रिकॉर्ड बनाया 3 घंटे में 1 मिलियन का। जी हाँ, 3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है इस गाने ने। और आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले कमरिया हिला रही है जो सॉन्ग था पवन सिंह का, हिंदी सॉन्ग, उसने 4 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया था, और अब 3 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो चुका है। ये ऑफिशियल हो चुका है क्योंकि वर्ल्ड वाइड के रिकॉर्ड भोजपुरी चैनल पर इसके थंबनेल पर रखा गया है इसे। वैसे ये गाना जब आप बचाएंगे तो अभी इसका कुछ 8 या 9 लाख व्यूज़ बता रहा है, 10 लाख व्यूज़ नहीं बता रहा है, 1 मिलियन व्यूज़ नहीं बता रहा है, क्योंकि वो अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब आपकी व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगते हैं किसी गाने पर तो थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है। तो यही कुछ हुआ है पवन सिंह के इस गाने के साथ। 1 मिलियन ऑफिशियल तो हो चुका है लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ है। और हम आपको बताते हैं, पवन सिंह ने खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ लिया है। इससे पहले पवन सिंह का 4 घंटे में 1 मिलियन और अब 3 घंटे में 1 मिलियन हो चुका है। अभी पूरा दिन बाकी है, देखते हैं ये गाना कितना कमाल करता है, क्योंकि बहुत ही लंबे एक गैप के बाद में पवन सिंह का गाना आया है और बहुत ही बेहतरीन गाना आया है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।